How to fix YouTube not showing recent videos problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर. तो दोस्तों, अगर आपके जो YouTube है उसमें आपको जो है रिसेंट वीडियो शो नहीं करते, जो भी आपने देखा है वो शो नहीं कर रहा है रिसेंट वीडियोस के अंदर पे, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आज के इस वीडियो पर दोस्तों मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर जो है सॉल्यूशन बताने वाला हूँ. तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये भी शो करके बताऊँगा रिसेंट वीडियोज़ है कहाँ पर. तो दोस्तों, यह है आपका रिसेंट वीडियोज़, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है. तो यह है दोस्तों आपका रिसेंट वीडियोज़. तो दोस्तों, आपको यदि यहाँ पे कोई भी रिसेंट वीडियोस जो है देखने को नहीं मिल रहा है, या फिर आपके जो यूट्यूब है उसमें रिसेंट वीडियोस का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, या फिर शो नहीं करते, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो को देखें, सॉल्यूशन को फॉलो करें और अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए. तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें. यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर ट्विटर पर फॉलो करके हमें मैसेज कर दीजिएगा. तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं. तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, अगर आपका जो यूट्यूब है उसमें रिसेंट वीडियो शो नहीं करते, तो एक बार दोस्तों आप हो सके तो डिवाइस को रिस्टार्ट करके देख ले. अगर आपने कर दिया है फिर भी सॉल्व नहीं होते प्रॉब्लम, तो दोस्तों जाइए अपने प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर जाके दोस्तों आपको कर देना है यहाँ पे अपडेट. अपडेट वगैरह करने के बाद दोस्तों आप सिंपली बैक कीजिए, डिवाइस को रिस्टार्ट करके आप रिसेंट बटन पर क्लिक कीजिए और यूट्यूब को यहाँ से क्लोज कर दीजिए. चाहे तो आप पूरा एप्लीकेशन जितने भी ओपन है सबको क्लोज करें, उसके बाद ट्राई करके देखिए. यदि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, यदि उसके बाद भी सॉल्व नहीं होते प्रॉब्लम, तो दोस्तों आप जाइए अपने मोबाइल के सेटिंग पर. उसके बाद हम यूट्यूब को एक पूरा फ्रेश रिस्टार्ट देंगे, ठीक है. तो उसके लिए बस आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना है, एप्लीकेशन एंड परमिशन पर जाना है और ऐप मैनेजर को ओपन कर लेना है. यहाँ पर दोस्तों आपको ऐप मैनेजर, मैनेज ऐप या फिर इंस्टॉल ऐप करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा. तो उसमें जाए, उसमें जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाइए, अपने एप्लीकेशंस को ओपन कीजिए, ठीक है. तो यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको कर देना है फोर स्टॉप. फोर स्टॉप करके ओके कीजिए, और उसके बाद जाइए इंटरनल स्टोरेज पर, क्लियर डेटा पर क्लिक करके ओके कर दीजिए. तो क्लियर डेटा वगैरह करने के बाद दोस्तों आप जाइए परमिशन सेटिंग पर, सारे परमिशंस यहाँ पे अलाउ कर दीजिए, ठीक है. तो सारे परमिशंस यहाँ पे अलाउ कर दीजिए. सारे परमिशंस अलाउ करने के बाद दोस्तों आप जो है डिवाइस को रिस्टार्ट ज़रूर कर लीजिएगा. डिवाइस को रिस्टार्ट वगैरह करने के बाद दोस्तों आप देखेगा जाके यूट्यूब पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा, रिसेंट वीडियोस आपको मिल जाएगा. लेकिन दोस्तों आप डायरेक्टली जाके चेक ही मत कीजिए, आप जाके कोई वीडियोस को प्ले करके देखिए, थोड़ा सा वॉच कीजिए, ठीक है, 5 सेकेंड 10 सेकेंड तो थोड़ा सा वॉच कीजिए, उसके बाद बैक करके आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा. बाई एनी चांस मान लीजिए अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, तो दोस्तों आप प्ले स्टोर पर जाके यूट्यूब को री इंस्टॉल कर लीजिए. पहले आप इसको अनइंस्टॉल कीजिए, उसके बाद री इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है. और हो सके तो अपने डिवाइस को भी अपडेट करके ही यूज़ करें, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो एप्लीकेशन यूज़ करने में आपकी डिवाइस पर. तो दोस्तों बस ये सॉल्यूशन आप कर लीजिए, उसके बाद आपका रिसेंट वीडियोस का जो ऑप्शन है वो भी आ जाएगा, रिसेंट वीडियोस का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा. तो आज के इस वीडियो पर बस इतना ही. वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.